नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस मदरसा मुल्क का पीएम नहीं बनना है। पाक असेंबली में उन्होंने कहा है कि वे पीएम भले ही बने रहे पर उनका नजरिया नहीं बदलेगा। यानी दूसरों को घबराना नहीं कहने वाला इमरान लोडा आज खुद ही घबराया हुआ है। पाकिस्तान में -1 के फार्मूले की चर्चा जोरों पर है और इमरान खान की सत्ता खत्म होने के कयास बढ़ गए हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में कृष्णा मंदिर की नींव रख कर दुनिया से ख्याति पाने के ख्वाब देख रहा था, मगर कट्टरपंथियों ने इमरान की सारी योजना पर पलीता लगा दिया, जिसके बाद कुछ तैमन छाप मुल्लाओं ने मंदिर की आधारशिला को उखाड़ कर फेंक दिया। या एक टोपीबाज ने कुकुर की आवाज में बांग भी दी है। यानी इमरान की गर्दन का सरिया निकल चुका है और उसे धरातल पर बिखरे मुल्लाओं के तैमंद और टोपी नजर आने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि इमरान लोंडे ने कल ही वेंटिलेटर बनाने वाली एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। उन्होंने यह कहकर मदरसा जमात को गदैया नर्तक कराया कि अब पाकिस्तान खुद ही वेंटिलेटर का निर्माण करने जा रहा है, लेकिन वे यह भूल गए कि वेंटिलेटर में प्रयुक्त होने वाले कई इंस्ट्रूमेंट भारत से ही आयात होते हैं, जिनके लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की शरण में आना पड़ेगा। पर फिलहाल वेंटिलेटर बनाने वाली फैक्ट्री का रिबन कटा है। पहला वेंटिलेटर यहां से कब बार आएगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। पर लगता यूं है कि वेंटिलेटर की शक्ल देखने से पहले ही इमरान की सरकार वेंटिलेटर पर चली गई है। पाकिस्तान में ताजा सर्वे के मुताबिक 27% लोग नवाज शरीफ की सरकार चाहते हैं। तहरीके इंसाफ को 24 और पीपुल्स पार्टी को 11% लोग वोट देने के पक्ष में हैं। खास बात यह है कि पाक संसद में भी इमरान सरकार अल्पमत में मानी जा रही है। मुतहदा कौमी मूवमेंट जैसे सहयोगी दल इमरान सरकार से किनारा कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि तब्दीली की हांडी फूट चुकी है, अब इमरान के फूटने की बारी है। वैसे भी पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए घाटे का सौदा है। यह मुल्ला मुल्क जितना अस्थिर रहेगा, यहां गरीबी और उत्पाती प्रवृत्ति के तैमंदबाज उतने ही बढ़ेंगे। इमरान जैसे फटर नेताओं के आने जाने से इस मुल्क की नीतियां नहीं बदल सकती है। अब बाजवा एंड कंपनी किसी नए मोहरे से -1 को प्लस में बदलने के लिए माथापच्ची कर रही है, पर मामला यहां तक नहीं है। भारत चीन की टेंशन के बीच अगर इमरान पद त्यागते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पाकिस्तान की राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर पीओके पर धावा बोल सकता है। इमरान सरकार ने 18 अगस्त में गिलगित में चुनाव का ऐलान किया है। उनके जाने से इस घोषणा को बड़ा झटका लग सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इमरान खान द्वारा कुर्सी छोड़ने की बात पाकिस्तान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था और रसूखदार लोगों के घोटाले में नाम आने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। यही लोग अब इमरान को बाहर का रास्ता दिखाने पर अड़ गए हैं। इन रसूखदारों का नेतृत्व इमरान के खासम खास रहे जहांगीर तरीन कर रहे हैं। उन पर चीनी और अनाज घोटाले के कई बड़े आरोप हैं। पाकिस्तान की राजनीति में आने वाले दिन काफी उथल पुथल भरे हो सकते हैं। अगर इमरान सत्ता छोड़ने का फैसला करते हैं तो भारत को इसका जितना फायदा मिलता है उसमें देर नहीं करनी चाहिए। भारत का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में गिलगित में चुनाव नहीं होने पाए। यह चुनाव गिलगित बाल्टिस्तान में भारत के दावे को कमजोर कर सकते हैं। भारत को बयानबाजी नहीं करके एक्शन की आवश्यकता है। वैसे भी इस देश में 1948 से लेकर गुलाम कश्मीर पर तकरीर हुई है, अब तकरीर से इतर तस्वीर बदलने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि हमारी सेना ऐसा करने में सक्षम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।